सब्सक्राइब करें टेक ब्रोस चैनल को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक ब्रोस। आज के इस वीडियो में हम रेडमी 9A, रेडमी 9 और रेडमी 9A प्राइम इन मोबाइल्स का पैटर्न लॉक कैसे रिमूव करते हैं ये देखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे पास में रेडमी 9A मोबाइल है। अभी दोस्तों मुझे इसका जो पैटर्न लॉक है वो मैं भूल चुका हूँ, तो मुझे इसे रीसेट करना है। तो देखिए दोस्तों, हमें इसे रीसेट करने के लिए फॉर्मेट और हार्ड रीसेट करना होता है। यहाँ पे देखिए, आपको इसका फॉरगेट पासवर्ड का बटन दिखाई दे रहा है, आप इसे प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, आपको इरेज ऑल डेटा का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देता है। जब आप इसे नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए, आपको ये बता रहा है पावर बटन दबा के आप इसे स्विच ऑफ कीजिए। दोनों बटन एक साथ दबा के इसे स्विच ऑन कीजिए। और उसके बाद में देखिए दोस्तों, आपको इसको वाइप डेटा करना होता है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, जब आप इसे वाइप डेटा करते हैं तो आप कुछ बातों का ध्यान रखिए कि जब आप इस मोबाइल को फॉर्मेट और हार्ड रीसेट करते हैं तो आपका इसके अंदर का सारा डेटा, जैसे कि फोटोज़, वीडियोस, कॉन्टैक्ट्स, ये सभी चीज़ें डिलीट हो जाती है। और दोस्तों, फॉर्मेट और हार्ड रीसेट करने के बाद में आपको आपकी सेम जीमेल आईडी से इसके अंदर लॉगिन करना होता है। और दोस्तों, फॉर्मेट प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए 5 से 10 मिनट का टाइम लेता है। तो आपके मोबाइल की बैटरी एटलीस्ट 20% चार्ज कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसके पैटर्न को रिमूव करने के लिए अभी हमें सबसे पहले हमारे इस मोबाइल को स्विच ऑफ करना है। अभी देखिए दोस्तों, हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका है। अभी दोस्तों, हमें इसका वॉल्यूम का अप बटन और पावर बटन, ये दोनों बटन एक साथ दबाने हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आपको मी का लोगो आता है, आप दोनों बटन छोड़ दीजिए। अभी देखिए दोस्तों, इसके फॉर्मेट कमांड्स लोड हो चुके हैं। अभी दोस्तों, आपको वॉल्यूम के डाउन बटन से नीचे आना है। और देखिए दोस्तों, अभी आपको यहाँ पे इसका पावर बटन दबा के इसे वाइप डेटा पे सिलेक्ट करना है। अभी देखिए दोस्तों, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वाइप ऑल डेटा, आप इसे पावर बटन दबा के सिलेक्ट कर दीजिए। अभी देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन से नीचे आ जाइए और इसे पावर बटन दबा के कन्फर्म कर दीजिए। अभी देखिए दोस्तों, हमारा डेटा वाइप सक्सेसफुली बता रहा है। अभी दोस्तों, हमें पावर बटन दबा के इसे बैक टू मेन मेनू जाना है। अभी देखिए दोस्तों, आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है रिबूट, आप इसे प्रेस कीजिए। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप फर्स्ट ऑप्शन रिबूट टू सिस्टम नाउ, इसे पावर बटन दबा के अप्लाई कीजिए। अभी देखिए दोस्तों, आपका मोबाइल रिबूट होने के लिए 5 से 10 मिनट का टाइम लेता है। तो जब तक कि आपके मोबाइल को इसी तरीके से रख दीजिए और किसी भी तरीके का कोई भी बटन मत दबाइए। देखिए दोस्तों, 5 से 7 मिनट का टाइम लेने के बाद में अभी हमारा मोबाइल रिबूट हो चुका है। अभी दोस्तों, इसकी सेटिंग उसी तरीके से रीसेट हो चुकी है जिस तरीके से आपको फर्स्ट टाइम कंपनी से मिलती है। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी इसे फटाफट सेटअप कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे अगर आपके अकाउंट में से डेटा कॉपी करना है तो यहाँ पे आप नेक्स्ट बटन को प्रेस कीजिए या फिर आप यहाँ पे इसे डोंट कॉपी बोल के आगे बढ़ जाइए। अभी देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे आपका ओल्ड पैटर्न लॉक पूछ रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी मुझे यहाँ पे मेरा ओल्ड पैटर्न लॉक याद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आपको आपका पैटर्न लॉक याद नहीं है तो उसके बजाय आप, तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे आपका ओल्ड जीमेल अकाउंट एंटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो आपका ओल्ड पैटर्न लॉक है ये रिसेट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी यहाँ पे मेरी जीमेल अकाउंट पे एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारी ओल्ड ईमेल आईडी हमने यहाँ पे एंटर करने के बाद में हमारे मोबाइल ने इसे एक्सेप्ट कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम इसे सेटअप कर देते हैं। अभी देखिए दोस्तों, आपको यही अकाउंट के साथ में कंटिन्यू आपके मोबाइल को सेटअप करना है। तो आप यहाँ पे इसी ओल्ड अकाउंट के साथ में इसे कंटिन्यू सेटअप करना है। तो मैं ऐड प्रीवियस अकाउंट ये सिलेक्ट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी आपको यहाँ पे वॉइस कमांड के लिए आपकी वॉइस यहाँ पे सेट करने के लिए दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे चाहे तो इसे सेट कर सकते। देखिए दोस्तों, अभी आपको यहाँ पे आपका मी अकाउंट साइन इन करने के लिए बता रहा है। तो दोस्तों, मैं अभी मेरे इस गूगल अकाउंट को ही साइन इन कर दूंगा, क्योंकि मेरे इस गूगल अकाउंट से मेरा मी का अकाउंट क्रिएटेड है। अभी देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे फिर से आपका लॉक सेट करने के लिए दिखा रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी यहाँ पे मेरा पैटर्न लॉक फिर से सेट कर देता हूँ।
तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आज हमने Redmi 9A इस मोबाइल का पैटर्न लॉक रिमूव करके इसे रिसेट कर दिया है। दोस्तों आप इस मेथड का इस्तेमाल करके Redmi 9A और Redmi 9 और दूसरे Redmi के मोबाइल्स का पैटर्न लॉक रिमूव करके रिसेट कर सकते हैं। दोस्तों बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको इसके अंदर पैटर्न लॉक रिमूव करने के लिए आपकी ओल्ड जीमेल आईडी यहां पे एंटर करना होता है, जो आपने इसके अंदर फॉर्मेट करने से पहले लॉगिन की हुई है। दोस्तों अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे हेल्पफुल वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।